मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। आईपीएस अभिनव कुमार बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपर प्रमुख सचिव। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी को बनाया गया अपर प्रमुख सचिव। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली शानदार जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। बोले, सरकार की नीतियों ने जीता जनता का भरोसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी ढेर किए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 49 संक्रमित मरीज। प्रदेश में लगातार चौथे दिन एक भी संक्रमित मरीज की नहीं हुई मौत। 200 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा गया घर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। मत्स्य पालन दिवस के मौके पर मंगलौर मत्स्य मंडी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का जोरदार स्वागत किया गया। मत्स्य मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को मछली पालन के रोजगार को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान गोष्ठी में पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मत्स्य पालन में किसानों को लाभ देने के लिए संबंधित विभाग काम कर रहा है। बड़ा ही विशेष है और आज के दिन जो है राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2017 से मुझे मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिली तो तब से लेकर अब तक जो है हम लोग लगातार इस वर्ष को विशेष दिन के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मत्स्य विभाग जो है एक तरीके से नगण्य विभागों में गिना जाता था, लेकिन 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे फोकस होके जिस प्रकार से मत्स्य उत्पादन को लेकर हम जैसे कह रहे हैं किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे तो उसमें मत्स्य पालन। वहीं प्रदेश में वैक्सीन की रफ्तार बढ़ने के बजाय घटने लगी है। अल्मोड़ा जिले में वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिली है। केंद्रों पर लोगों को बिना टीके लगवाए ही वापस भेजा जा रहा है। मुख्यालय पर बने वैक्सीन सेंटर रैमजे इंटर कॉलेज के सेंटर पर वैक्सीन की कमी है। ऐसे में दूर दराज से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो हमारी आज का वैक्सीन का स्टेटस है, आज हमने सेकेंड डोज कोविशील्ड की है, वो 220 वायल लगा रखी है अब तक, और 110 हमारी कोवैक्सीन लग चुकी है अभी। और जैसे जैसे हमारे पास जो जितनी आती है वायल्स हम लगा ही देते हैं, लगातार चल रहा है और सेंटर लगातार ही चलेगा। बस ये है अभी थोड़ी सी डोज कम है तो जो हमारे पास अभी मात्रा है लगाने वालों की वो थोड़ी सी कमी आ जाएगी। वहीं मसूरी में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कोठाल गेट के पास पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतार लग रही है। बिना कोविड जांच रिपोर्ट के किसी को भी मसूरी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। इस संबंध में सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने बताया कि भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी आने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना कोविड जांच रिपोर्ट स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग के बाद ही पर्यटकों को मसूरी जाने दिया जाए। इसी क्रम में आज कोठाल गेट पर वाहनों को रोका जा रहा है और उनसे सभी मानकों की जानकारी ली जा रही है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोरोना महामारी के चलते स्थापना दिवस को शांतिपूर्ण और बिना भीड़भाड़ के मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गोपेश्वर में भी बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस है जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण और मिष्ठान वितरण इत्यादि कार्यक्रम रखे हुए और हमने कई पेड़ अभी लगा चुके हैं। यहाँ पर सिरजेशवन विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। लगभग 15 पेड़ हमने इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लगाए हैं और आने वाले समय में यही पेड़ हमको यादगार साबित होंगे, सार्थक साबित होंगे। और उसके बाद हमारा विचार गोष्ठी का एक कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद मिष्ठान वितरण कार्यक्रम रखा गया है। इस 9 जुलाई के शुभ अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारा यह कार्यक्रम रखा गया। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला सप्ताह के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज सुमन नगर और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा हरेला पर्व और पर्यावरण संरक्षण में 80 फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया गया जिसमें आम, अमरूद, नीम, आंवला और अन्य प्रजाति के कुल 80 पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि हरिद्वार के सभी थाने चौकियों में यह अभियान पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है।
प्रदेश भर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान आंदोलनरत हैं, जिसका असर अल्मोड़ा जिले के 11 विकास खंडों के काम पर पड़ रहा है। विकास के कार्य ठप हो चुके हैं। ग्राम प्रधान संगठन ने कई विकास खंड कार्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना दिया। सरकार से ग्राम प्रधान अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठन का कहना है कि सरकार 73वें पंचायत अधिनियम को लागू नहीं करना चाहती है, जिसके चलते पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं ग्राम प्रधान के मानदेय समेत पंचायत निधि में कटौती की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में प्रधान अपनी मांगों को लेकर के, अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के प्रधान सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का प्रयास किया है कि जो हमारी 12 सूत्री मांगें हैं उन मांगों को अतिशीघ्र माना जाए, क्योंकि लगातार कई दिनों से हमारे प्रधान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा निवेदन है सरकार से कि हमारी जो 12 सूत्री मांगें हैं उन मांगों को अतिशीघ्र माना जाए। अगर वो सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो भविष्य में प्रधान उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। लगातार हमारे प्रत्येक महीने पंचायतों से CSC सेंटरों को 2500 रुपये की जो कटौती की जा रही है, उस कटौती का भी हम घोर विरोध करते हैं। और पंचायतों में जो ग्राम प्रधान को मात्र 1500 रुपये का वेतनमान दिया जाता है, उस वेतन को हम वही चमोली जिले के पिंडर घाटी इलाके में 3 मोटरसाइकिल सवार बारिश के चलते दुर्घटना का शिकार हो गए। बाइक सवार पिंडर नदी की गहरी खाई में जा गिरा, जिसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाया और घायल अवस्था में खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि 2 युवक केदारदत्त और प्रेम सिंह सड़क पर ही घायल अवस्था में मिले, जिनको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि तीसरा युवक जिसको गंभीर चोटें आई हैं और उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पौड़ी क्षेत्र में हुड़दंग और मादक पदार्थों के सेवन करने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हर की पौड़ी क्षेत्र में हुड़दंग कर रहे कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि धार्मिक स्थल पर सदाचरण का व्यवहार करें और अगर कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो इस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद दुबका नदी में प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन हो रहा है। खनन माफिया नदी में खनन करके राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। अवैध तरीके से हो रहे खनन में पुलिस और वन विभाग का पूरा संरक्षण माफियाओं को मिला हुआ है। वहीं SDM विवेक प्रकाश भी अवैध खनन को लेकर सतर्क दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भी अभी तक अवैध खनन रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, जबकि अवैध खनन रोकने के लिए उनकी पहली प्राथमिकता बनती है, जिससे सरकार को खनन माफिया प्रतिदिन करोड़ों रुपये का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 65 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में लगातार तीसरे दिन एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 184 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1319 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 341,088 हो गई। इनमें से 326,451 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,338 लोगों की जान जा चुकी है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई और अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ ही भोना इस्लाम नगर में 10 लाख की लागत से बनी पेयजल की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भी नियुक्ति कराई जाएगी, जिससे जनता को सारी सुविधाएं अस्पताल में मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक अस्पताल के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। एक्सरे मशीन यहाँ पर दी है, इसकी लागत 7 लाख रुपये है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन जो बेहतरीन क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, इसकी लागत 19 लाख रुपये है। ये हमने यहाँ पर आज इस हॉस्पिटल को और जनता को समर्पित की है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी हमने विधिवत उसकी शुरुआत होने जा रही है। 80 लाख की लागत से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। तो निश्चित रूप से कोविड को देखते हुए ये आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है
और यह क्षेत्र बहुत जो आवश्यकताएँ होती है, सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सेवाएं, उसके जो ज़रूरत होती है उसको देखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन का होना अत्यंत आवश्यक था। तो जो भी हम बेहतर कर पाएंगे भाजपुर के विकास के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमारा। देहरादून के अलावा पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टेहरी जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सारे एहतियाती कदम उठाए जाने की बात कही है। नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी जरूरत बताई। भारी बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन के साथ ही कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में नदियों में तेज जल प्रवाह की पूरी संभावना है। तो कई जिलों में येलो अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है और इसको लेकर एहतियात बरतने की भी बात कही है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब जब बारिश का मौसम आता है ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जल जमाव की जो स्थितियां हैं वो कई जगहों पर देखने को मिली हैं। तो वहीं अब जब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे में वहाँ के स्थानीय लोगों को और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने की बात कही है। उत्तराखंड के चंपावत में बने पंचायत भवन में कृषि स्वरोजगार ग्रामीण योजना के तहत कई किसानों को फूलों के बीज वितरित किए गए। इस नई स्वरोजगार योजना के मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिली। कई लोगों का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह उत्तराखंड के लोगों की तरफ ध्यान देगी तो यहाँ रोजगार की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। मालूम हो इस वक्त उत्तराखंड में काम ना मिल पाने के कारण कई लोग पलायन को मजबूर हैं। ऐसे में इस पहल से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पे महिलाओं को सुगंधित पौधों का बीज का वितरण कर रहे हैं। यहाँ करीबन 70 से 80 महिलाएं को हम लोग बीज दे रहे हैं और वो भी निशुल्क। और ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बंजर ज़मीनों के ऊपर खेती के लिए हम लोग इनको समझा रहे हैं, जिससे ये लोग यहाँ पे काम कर सके और इनको जो बंजर ज़मीन से कुछ भी नहीं मिल रहा है उस पे इनको मदद मिल सके। कोरोना गाइडलाइन के पालन और यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन, मसूरी व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि बाहर से आने वाले पर्यटक को RTPCR रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात ही उत्तराखंड में आने की अनुमति मिलेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए कहा गया है कि वो होटल में कमरा बुक करने के पश्चात ही यहाँ आए ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही टैक्सी और रेहड़ी पटरी के दुकानदारों के लिए भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की नीति बनाई गई है। मसूरी में कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार को अपनाए जाने और कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं उस संबंध में चेयरमैन नगरपालिका महोदय और व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ये मीटिंग की गई है। इसमें कुछ बातों पर सहमति बनी है जिसमें ये सभी होटल व्यवसायी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडियम के सभी उपादानों का प्रयोग करते हुए लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिना RTPCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट के वो मसूरी, देहरादून या उत्तराखंड ना आए। हम माल रोड में पर्यटकों की एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा बनाए रखें, कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोक सके और जो माल रोड में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से कर सकें। जो अवैध टैक्सी स्कूटीज़, जो छोटे बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, इन सबको हम रोक सकें। माल रोड पे जगह जगह जो नो ट्रैफिक जोन पे गाड़ियां पार्क हो जाती है, इन सब विषयों पे बहुत देर चर्चा हुई और हमने पुलिस प्रशासन को बोला है कि हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। इन्होंने वादा किया है कि पूरा सहयोग ये लोग हम लोगों को करेंगे। हमने अपने 10 PID जवान भी इन लोगों वहीं चमोली के वसुधारा फॉल्स के पास साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पानी के तेज बहाव और हवाओं के बीच शव को रेस्क्यू करने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला। बद्रीनाथ के थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शव के वस्त्रों से मिली आईडी के अनुसार ये शव साधु का है, जिनका नाम भांगुदास है, जो गुजरात के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।